हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जो उस ट्रिक से आप अपना वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं तो चार्ट प्रिपेयर के बाद आपका सीट कंफर्म नहीं बल्कि आपका चार्ट प्रिपेयर से पहले आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, वो चाहे GNW हो, GNWL हो या RLWL वेटिंग लिस्ट हो, वो कोई भी वेटिंग लिस्ट हो, चार्ट प्रिपेयर के बाद नहीं, चार्ट प्रिपेयर के पहले ही आपका सीट कंफर्म हो सकता है। हमारा वो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जस्ट एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक टिकट बुकिंग किया था, ठीक है। ये देखिए, मैं अपना माई बुकिंग खोल के मतलब ओपन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि DDN हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मेरा एक बुकिंग है RR2 हावड़ा, ठीक है, 12370 ट्रेन का नंबर है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, बुक टॉन मतलब मैं 17 जून 2023 को मैं टिकट बुक किया था, कब के लिए, 19 जून 2023, ये देख लीजिए, 17 को मैं बुक किया, 19 जून, मतलब लोग यहाँ पे एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल टिकट बुक किया हूँ यहाँ जनरल कोटा से, ठीक है, वेटिंग टिकट बुक किया हूँ। जैसे कि इसको मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टिकट मतलब इसमें जो दिखा रहा है 5:40 से 3:15 मतलब ये पटना जंक्शन से हावड़ा जंक्शन, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका बुकिंग जो है आरा जंक्शन से इसका बुकिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर जनरल के बगल में आरा शो हो रहा है। मैं मतलब अपना क्या किया हूँ कि आरा से बुकिंग किया हूँ RR2 हावड़ा और पटना इसका बोर्डिंग पॉइंट डाल दिया हूँ, ठीक है। और हमारा बुकिंग स्टेटस 49 वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है RLWL और करेंट स्टेटस आप देखिए RLWL 42 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ये तो देख लिए 42 चल रहा है और मैं 17 तारीख को बुकिंग किया था और आज 18 तारीख है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, मतलब अपना फ़ोन में मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आज 18 तारीख है, रात को 8:30 बज रहा है, ठीक है। ये देखिए 18 तारीख दिखा रहा है संडे, तो आज 18 तारीख है, कल का मेरा ट्रेन है मतलब 19 तारीख को ट्रेन है 5:40 में और आरा में 4:30 बजे करीब में, मतलब मेरे को आरा से ही उठना है, लेकिन पटना से मेरा सीट कंफर्म हुआ। कैसे हुआ आपको दिखा दे, अभी चार्ट लगा भी नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप करेंट स्टेटस में क्लिक कर दिया हूँ, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कन्फर्म CNF A6 में 24 साइड अपर, ये देख लीजिए मेरा सीट मतलब चार्ट लगने से पहले। अब आपको दिखा दे चार्ट लगा है कि नहीं, देखिए चार्ट नॉट प्रिपेयर, चार्ट नहीं लगा हुआ है, अभी भी इस ट्रेन का चार्ट नहीं लगा हुआ है। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको PNR नंबर से एक बार सर्च करके आपको दिखा देता हूँ ये सही है या नहीं है। तो PNR नंबर मैं 19 जून का मैं पहले सेव करके रखा हुआ हूँ, ये देखिए इसमें भी आप देख लीजिए चार्ट नॉट प्रिपेयर कंफर्म A6 में 24 नंबर साइड अपर, ये देख रहे हैं आपका इसमें शो हो रहा है। इसका PDF मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि इसका PDF देख लीजिए कि मैं 17 जून 2023 को 12:44:19 में मैं बुकिंग किया था, ये हमारा टिकट है। जैसे कि मैं आरा से बुकिंग किया था हावड़ा तक के लिए, लेकिन इसका बोर्डिंग मैं चेंज कर दिया हूँ। बोर्डिंग मैं इसलिए चेंज किया था कि अगर आरा से टिकट मेरा कंफर्म नहीं होता है तो पटना बड़ा जंक्शन है, वहाँ से मेरा टिकट कंफर्म हो सकता है। तो इस टिकट के द्वारा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपना टिकट कंफर्म करवाना चाहते हैं, अगर आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, आप नॉर्मल ही टिकट बुकिंग कर पाते हैं, तो आप बुकिंग करने का तरीका सीख लें। आप GNWL बुकिंग करें या RLWL बुकिंग करें, लेकिन बुकिंग करने से पहले आपको करना क्या है कि आप अपना स्टेशन से जो टिकट बुक करते हैं बुक करिए। करने के बाद में अगर आप देखिएगा कि आपके स्टेशन से आगे में कोई बड़ा स्टेशन है तो आप कुछ नहीं, सिंपली आप अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करके उस बड़ा स्टेशन को बोर्डिंग पॉइंट बना दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका 100% टिकट कन्फर्म होगा, वो चाहे GNWL हो या RLWL हो, 100% कन्फर्म होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अपना टिकट रेगुलर एनी टाइम ऐसे ही बुकिंग करता हूँ, तत्काल टिकट से हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं ज़्यादातर करके वेटिंग टिकट ही बुक करता हूँ। सेम इसी तरह से आपको एक और टिकट दिखाता हूँ जो कि मैं बक्सर से लेकर हावड़ा तक का भी बुकिंग किया हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह से सेम डेट मतलब 8 तारीख का डेट में 8 जून, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे बक्सर टू हावड़ा का बुकिंग है, इसका PNR नंबर जरा आप देखिए 6959 लास्ट में है, 6959, ये देखिए 6959, ठीक है। सेम यही 8 जून का जो डेट देख पा रहे हैं अमृतसर हावड़ा मेल, सेम इसी डेट में 8 जून का डेट में PNR नंबर 6959 है, इसमें देखिए 4356 है, 4356 मतलब दो दो पैसेंजर का टिकट इसमें बुकिंग हुआ है। इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या हुआ है, सिर्फ बोर्डिंग पॉइंट और कुछ नहीं। इसका मैं जो बुकिंग किया हूँ लुधियाना जंक्शन से बुकिंग किया था 4 पैसेंजर का अलग अलग PNR में, दो दो पैसेंजर का। अगर आप बुकिंग भी करते हैं ना तो दो दो पैसेंजर या एक एक पैसेंजर करके बुकिंग करिएगा, आपका सीट 100% कन्फर्म होगा ही होगा, ना कोई सवाल नहीं है। बस अपना स्टेशन से बड़ा स्टेशन पर जरूर बुकिंग करेगा। जैसे कि मेरे को बक्सर से पकड़ना था ट्रेन, लेकिन मैं लुधियाना से टिकट बुकिंग किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप आसानी से इजीली टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा ट्रिक है, कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है। बात ये है कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो इसे फॉलो करें,
उन लोगों को पक्का है कि कंफर्म सीट मिलेगा, वो चाहे RLWL वेटिंग लिस्ट हो, वो चाहे GNWL वेटिंग लिस्ट हो। सिर्फ इसी तरह से मैं भी मतलब बुकिंग कर करके थक गया था, लेकिन करते करते मेरा एक्सपीरियंस से मुझे जानकारी हो चुका है कि किस ट्रेन में हम टिकट अगर बुकिंग करते हैं तो हमें कंफर्म सीट मिलेगा, अब किस ट्रेन में बुकिंग नहीं करेंगे तो हमको वेटिंग टिकट मिल जाएगा। तो हमको तो ट्रेन में सफ़र करना ही है, तो हम क्यों ना वेटिंग टिकट बुक करके ही कन्फर्म करवा लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को हमारा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच